लोकसभा चुनाव अंतर्गत वडोदरा की मेयर पिंकी बेन सोनी द्वारा आज राजलक्ष्मी सोसाइटी की मुलाकात की गई। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रमुख गौतम गेड़िया के आदेश अनुसार अनुसूचित जाति बस्ती संपर्क तथा अनुसूचित जाति प्रबुद्ध नागरिक संपर्क के भागरूप आज वडोदरा की मेयर पिंकी बेन सोलंकी द्वारा राजलक्ष्मी सोसाइटी की मुलाकात करते हुए अभियान का प्रारंभ किया गया। जनसंपर्क अभियान और माहिती प्रदान अभियान का प्रारंभ करते हुए आज मेयर पिंकी बेन सोनी तथा अन्य महानुभावों द्वारा राजलक्ष्मी सोसाइटी में आगमन करते हुए तमाम लोगों के साथ जनसंपर्क यानी कि लोक संपर्क साधते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया था। आज राजलक्ष्मी सोसायटी महाराज वोर्ड में कमलानगर तड़ावनी लाइन में आवेली राजलक्ष्मी सोसायटी ज्यां वाल्मीकि समाज ना लोको अहीं सौ साथे अड़ी मड़ीने रहे छे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों ना आयोजन थकी छेक छेल्ले सुधी लोको साथे लोकोनी वच्चे जाऊं लोको पासे जाऊं एमनी साथे आचार विचार अने पोताना विचारों ना आपले करी अने एक बीजाना मननी वात जाणवी अने एवी रीते विचारोना आदान प्रदानना कार्यक्रमों अनेकवार योजाता होय छे। एवी ज रीते आज रोज वाल्मीकि समाज अध्ययन कार्यक्रम के जेमा वाल्मीकि समाजना लोको जे रहे छे एमने हळी एमनी साथे मळी अने एमनी समस्याओ जाणी एमने ए लोको भारतीय जनता पार्टी साथे पहलेथी जोडायेला पण छे अने खूब संतोषभर्यो एमनो आवकार छे अने આગળ પણ અમે પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છીએ એવી એમને બહેદરી આપે છે। સાથે સાથે કામગીરી થતી જ રહી છે, થોડા બે ચાર કામ જે બાકી છે એના માટે પણ મેં માહિતી માંગી, પણ એ લોકો આજે મળવા આવ્યા છે એટલે અમે તમને બસ આપણે પ્રેમથી મળીએ, સ્નેહથી એકબીજા સાથે વાતો કરીએ, કામો તો થાય છે ને આગળ થવાના જ છે, એટલો એમનો સ્નેહભર્યો ભાવ જોઈને મને પણ ખૂબ હું પોતે પણ ભાવ ભીની થઈ ગઈ કે આટલું સરસ એ લોકોનો અમારી સાથેનો વ્યવહાર છે અને હંમેશા બહેનને દીકરીની જેમ રાખે છે અને ખરેખર આ કાર્યક્રમને લીધે આજે આ લોકોને ફરી એક વખત મળવાનું થયું છે। હું ભારતીય જનતા પાર્ટીને અને આ કાર્યક્રમના આયોજન બદલ સૌને અભિનંદન આપું છું, અહીં ઉપસ્થિત સૌને પણ મારા વંદન અને અભિનંદન।